हेलो फ्रेंड्स, 11 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 6 अमरनाथ पिलग्रिम्स किल्ड इन टेरर अटैक। तो ये एक्चुअली टेरर अटैक हुआ श्रीनगर जम्मू हाईवे पे, जब यहाँ पे शाम में आफ्टर सनसेट जब क्विक रिस्पांस टीम जो आर्मी की थी वो यहाँ से हट गई थी, वो यहाँ कवर नहीं दे रही थी और ये टेररिस्ट ने यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के पेट्रोल व्हीकल पे फायर किया और इसमें एक मिनी बस जिसमें पिलग्रिम्स थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ और इसमें 6 अमरनाथ पिलग्रिम्स की डेथ हो गई और अराउंड 7 इंजर्ड। तो अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो मिनी बस थी वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, प्लस उनको ट्रैवलिंग एडवाइजरी दिया गया था कि सनसेट के बाद आप रोड पे ना ट्रैवल करें, फिर भी ये जो मिनी बस थी वो रोड पे ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पे मिलिटेंट फायरिंग में यहाँ पे डेथ हुई है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे न्यूज में था कि अमरनाथ पिलग्रिम्स पे अटैक होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये जो 40 डे अमरनाथ यात्रा एनुअली हर साल होती है ये कोइंसाइड कर रही है विद द एनिवर्सरी ऑफ द किलिंग ऑफ बुरहान वानी द टेररिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके लिए यहाँ पे कंसर्न्स थे कि यहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं और ये न्यूज अब आई है। ये सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो मेन सिक्योरिटी फोर्स है, जो यहाँ पे एनुअल यात्रा के रूप में इनको डिप्लॉय किया गया, इनको स्टेशन किया गया। तो ये है, इवन चीफ मिनिस्टर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ट्वीट किया कि हर राइट थिंकिंग कश्मीरी को इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये नॉट इन माय नेम होना चाहिए, मतलब ये कश्मीरी लोगों के नाम पे ना ही होना चाहिए ये टेररिस्ट अटैक्स, तो इसकी निंदा करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यही हैशटैग नॉट इन माय नेम, जो अभी काफी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग हैशटैग है, उसको यूज करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर अमरनाथ श्राइन के बारे में पता होना चाहिए, अमरनाथ केव जो यहाँ लोकेटेड, ये हिंदू श्राइन है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे मैप भी दिया गया है। तो यहाँ पे हर साल एनुअल यात्रा होती है, एक्चुअली ये पूरा ये माउंटेन से कवर एनक्लोज है और ये माउंटेन स्नो कवर्ड होती है और ये जो केव है अमरनाथ केव, यहाँ पे एक ह्यूज स्टैलेगमाइट है, ये स्टैलेगमाइट आइस स्टैलेगमाइट जो है ये केव में बना गया, इसकी पूजा की जाती है शिवलिंग। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हिंदू लेजेंड है ये कि शिवा ने यहाँ पे, लॉर्ड शिवा ने यहाँ पे जो लाइफ का सीक्रेट है, इटर्निटी का सीक्रेट है, अमरता अमरता का सीक्रेट है, वो उन्होंने अपनी कंसॉर्ट, अपनी डिवाइन कंसॉर्ट जो वाइफ है पार्वती, उनको यहाँ पे बताया था। तो इसीलिए ये अमरनाथ केव प्रोमिनेंट है और हर साल यहाँ पिलग्रिमेज होता है। और एक प्रोमिनेंट पिलग्रिमेज साइट जम्मू कश्मीर में है, वो है वैष्णो देवी श्राइन। तो ये वैष्णो देवी यहाँ है, अमरनाथ यहाँ है, इवन गुलमर्ग जो रिसेंटली केबल कार एक्सीडेंट हुआ था, स्कीइंग रिजॉर्ट है जो यहाँ पे, वो यहाँ है। और ये श्रीनगर और जम्मू द कैपिटल्स, तो ये आपको मैप में भी पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में ऐसे भी सवाल पूछते हैं मैपिंग रिलेटेड, और ये कल्चर रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है, साइबर अटैक लिंक टू ग्लिचेस इन रिलायंस जियो एनएससी अंडर प्रो। तो ये एक्चुअली इसी महीने में ग्लिचेस हुए थे, मतलब टेक्निकल ग्लिचेस, तो ये साइबर अटैक्स तो नहीं थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही कि पॉसिबल साइबर अटैक्स थे। तो ये एयरटेल नेटवर्क जो दिल्ली में यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा था, ये जुलाई 2017 इसी महीने की बात है। फिर उसके बाद रिसेंटली हमने देखा रिलायंस जियो, इनके कस्टमर्स की डिटेल्स, एक वेबसाइट है magicpk.com, इन्होंने पूरी कस्टमर डेटाबेस पूरा डिटेल्स दिया था, तो उसको भी रिलायंस कह रहे कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो यहाँ पे ये भी कंसर्न आया है कि डेटा ब्रीच हुआ है यहाँ पे। फिर रिसेंटली जो कल न्यूज में था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में टेक्निकल ग्लिच हुआ, जिसकी वजह से कल वो 3 घंटे तक अराउंड फंक्शन नहीं करता है। तो ये टेक्निकल ग्लिच जो बोला जा रहा है, क्या ये साइबर अटैक तो नहीं है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिया की यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये इससे पहले भी 2016 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 32 लाख डेबिट कार्ड्स का जो डेटा था वो ब्रीच हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ में गई थी और इसकी वजह से काफी सारे यूजर्स ने कहा कि उनके कार्ड यूज करके अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुए थे, पैसे निकाले गए थे इन चाइना। तो ये कंसर्न्स इवन यहाँ पे भी, ये जो एयरटेल और रिलायंस के जो ब्रीचेस हुए इसमें भी कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने 2 साल पहले ही इन टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म किया था, सेंसिटाइज किया था, मतलब इनको बताया था ये कि इनके इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स वल्नरेबल है साइबर अटैक्स को, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स जो ये चाइना से इम्पोर्ट करते, इस वजह से ये सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे। लेकिन अभी भी उनके जो कंसर्न है, प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड है चाइना से, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये इंसिडेंट हुआ है।
और एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कंट्री की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, इवन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव शेयर, सबसे ज्यादा मेजोरिटी शेयर एनएसई में है, और यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिच हुआ वो भी एक मेजर कंसर्न है। तो इसके डिटेल्स यहाँ दिए गए, रिलायंस जियो का ये magicpk.com ने कस्टमर्स की डिटेल्स दी थी, आधार का डेटा, ईमेल आईडीज वगैरह। फिर एयरटेल का जो था, यहाँ पे नेटवर्क आउटेज हो गया था, नेटवर्क नहीं चल रहा था दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। फिर एनएससी का जो रिसेंटली हुआ, टेक्निकल ग्लिच माना जा रहा है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, तमिलनाडु रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस। तो ये तमिलनाडु में एक 27 साल के आदमी को जीका वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया, तो ये तमिलनाडु का पहला जीका वायरस केस था, और अभी जो न्यूज है उसके हिसाब से ये कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं। तो ये मई 2017 में जीका वायरस कंसर्न रेज हुआ इंडिया में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कंफर्म किया कि 3 जीका वायरस केसेस थे जो इंडिया में डिटेक्ट किए गए थे इन अहमदाबाद इन जनवरी 2017। लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन न्यूज में नहीं आई थी, सामने नहीं रिवील की गई थी, गवर्नमेंट ने रिवील नहीं की, क्योंकि ये भी एक माना जाता है कि तब यहाँ पे अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा था, तो इसकी वजह से प्रॉबेबली ये रीजन था कि ये बताया नहीं गया। और अब मई 2017 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे कंट्रीज का जीका वायरस स्टेटस बताया, और जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई, गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया है, तो वही है। तो अब यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि जीका वायरस कितना स्प्रेड हुआ है, क्योंकि जीका वायरस जो है ये ईडिस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ईडिस इजिप्टी मॉस्किटो पर्टिकुलरली। तो ये डेंगू चिकनगुनिया भी इसी वेक्टर से होता है, ईडिस मॉस्किटो। तो ये जीका वायरस भी, क्योंकि वेक्टर अवेलेबल है इंडिया में, इतना प्रोमिनेंटली स्प्रेडेड है, तो इसीलिए जीका कंसर्न भी इंडिया में ज्यादा है। तो अब ये जो न्यूज आई है वो एक तमिलनाडु की न्यूज आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। तो जीका वायरस काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रह चुका है, इसकी वजह से जो माइक्रोसेफेली है, जो जब प्रेग्नेंट वुमेन जीका वायरस से सफर करती है, तो जब वो डिलीवर करती है, तो बेबीज में माइक्रोसेफेली कंडीशन पाया गया है, उनका ब्रेन साइज 1/3 कम होता है, नॉर्मल ब्रेन साइज से कम होता है वो ब्रेन साइज, प्लस उनको और भी कॉम्प्लिकेशंस बाद में डेवलप हो रही है। तो ये कंसर्न्स रेज हुए, इवन गुलियन बेयर सिंड्रोम जो है ये एडल्ट में पाया जाता है, जिनको जीका वायरस जो अफेक्ट होते हैं उनसे। तो ये सारा हमने डिटेल में कई बार डिस्कस किया है, तो कीवर्ड्स में भी इसकी डिटेल्स दी गई है, तो आप उसमें रेफर कर सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, केरला प्रपोजेस स्ट्रे डॉग जू। तो अब केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में प्रपोज किया है कि हम स्ट्रे डॉग का जू बनाएंगे। तो इस सजेशन, इस आइडिया के ऊपर इवन जो ऑपोजिशन में जो एडवोकेट है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिविस्ट जो है एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, स्ट्रे डॉग जू क्यों बनाना है। तो केरला गवर्नमेंट ने पिटीशन डाला है कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत को बोलेंगे कि 2-3 acres वो अलग से रखे और इसको स्ट्रे डॉग जू नोटिफाई करें, तो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को रखा जाएगा इनका, इनके लिए। तो एक्चुअली केरला में स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस जा रहा है, क्योंकि जो ये एनिमल वेलफेयर रूल्स है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2001 जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, उसमें उन्होंने वो चाहते हैं कि स्टरिलाइजेशन किया जाए स्ट्रे डॉग्स का, उनको इम्यूनाइज किया जाए ताकि वो थ्रेट ना हो जब वो बाइट करे, तो उसी वजह से रेबीज वगैरह ना हो। तो ये स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइज हो जाएगी, तो वो आगे बर्थ नहीं होगा, मतलब बर्थ कंट्रोल रेगुलेशन से ये, तो ये सजेस्ट किया जा रहा है। पर केरला गवर्नमेंट को जल्दी है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत मेजर कंसर्न हो गया हमारे लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी भी अपॉइंट की थी, फॉर्मर केरला हाईकोर्ट जज थे जस्टिस एस श्री जगन, तो ये उन्होंने सबमिट भी किया अपना रिपोर्ट अक्टूबर 2016 में, तभी भी हमने ये रिपोर्ट डिस्कस किया था अक्टूबर में। तो यहाँ पे उन्होंने तब कहा कि यहाँ पे जो केरला का कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है, तो केरला गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, इमीडिएट रिडक्शन चाहिए एक्सेसिव स्ट्रे डॉग्स का। तो वो कह रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल से काम नहीं होगा, कि बर्थ कंट्रोल लॉन्ग टर्म मेजर है और ये इमीडिएट प्रॉब्लम है, तो ये उन्होंने रखा था स्टेटमेंट। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का भी मानना ये है कि स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, एबीसी रूल्स कहा जाता है इसको, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। तो ये उनका सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है, लेकिन कमेटी का स्टैंड यही था कि ये लॉन्ग टर्म मेजर है, इमीडिएट मेजर यही है, वो चाहते थे मतलब इनडायरेक्टली इमीडिएट रिडक्शन, मतलब मास कलिंग की तरफ ही, मतलब उनको मार दिया जाए एक्सेसिव जो स्ट्रे डॉग्स है वही वो इम्प्लाई करना चाहते थे। तो ये रिपोर्ट थी। तो ये स्ट्रे डॉग्स इशू काफी प्रोमिनेंटली केरला के रिलेटेड डिस्कस किया जाता है, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन दिखाया गया है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब
मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने स्ट्रे डॉग्स है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यूपी में है, केरला 6th नंबर पे आता है। और ये जो कमेटी थी श्री जगन कमेटी, उनका जो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे वो दिखाए गए कि बर्थ कंट्रोल जो है ये लॉन्ग रन में काम आएगा। ये उनका एक पॉइंट था कि बर्थ कंट्रोल लॉन्ग रन में काम आएगा। वो कह रहे थे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल मेजर्स से कोई फर्क पड़ा है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर वो कह रहे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर्स भी जो होते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो भी वायलेंट होते हैं, वो डॉग्स को उसकी वजह से ट्रॉमा होता है। और जो एनिमल्स ट्रे डॉग्स बाइट के बाद जो एंटी रेबीज सीरम जो दिया जाता है लोगों को, तो वो भी उसके काफी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है कई बार, और इवन वो काफी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए उनका मेन पॉइंट ये था कि स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन स्ट्रे डॉग्स का ये सोल्यूशन नहीं है, इमीडिएट रिडक्शन चाहिए। तो वही वो इम्प्लाई कर रहे थे मास कलिंग पे। फिर अगला न्यूज आइटम है, एनजीओस गेट मोर टाइम टू फर्निश रिप्लाईज टू सेव एफसीआरए लाइसेंस। तो एक्चुअली जो भी एंटिटीज को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उनको अपना लाइसेंस उनको दिया जाता है, एफसीआरए लाइसेंस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये। तो गवर्नमेंट ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही जिनके पास ये लाइसेंस है उनको फॉरेन डोनेशन ले सकते हो। तो ये 6,000 एनजीओज है जिनके एफसीआरए लाइसेंस है, पर अब गवर्नमेंट कह रही है, यूनियन होम मिनिस्ट्री कह रही है कि आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करो पिछले 5 सालों का, 5 साल का नहीं दिया गया है, 2011 टू 2015। तो वो अगर वो देंगे तो उसके बाद उनको एफसीआरए लाइसेंस कंटिन्यू किया जाएगा या तो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। तो ये एक्चुअली एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मेनली है कि वो ट्रांसपेरेंसी ला सके, जो फॉरेन डोनेशन इनको मिल रहे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि ये किस लिए आ रहे, ये फंड का डाइवर्जन ना हो किसी और पर्पज के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए ना यूज किए जाए। उसके लिए उनको चाहिए कि ये अपने रिकॉर्ड्स वो बताए, तो ऑडिटेड रिकॉर्ड्स उनको सबमिट करने होते हैं। तो ये डिमांड करिए होम मिनिस्ट्री, अगर ये किया जाएगा तो लाइसेंस सेव होगा, नहीं तो कह रहे कि जुलाई 23 की डेडलाइन है, अगर तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हम अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ नहीं कहना है और मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री फिर उस हिसाब से आपका एफसीआरए लाइसेंस का आगे स्टेप्स लेगी। तो ये है, ये कई बार न्यूज में रह चुका है, काफी प्रोमिनेंट एनजीओ का भी यहाँ पे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, शिप्स एंड प्लेन्स अराइव, इट्स डेज ऑफ वॉर गेम्स। तो ये एक्चुअली मलबार एक्सरसाइज के बारे में है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है अमंगस्ट इंडिया जापान एंड यूएसए, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनली बायलैटरल एक्सरसाइज थी, बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो ये 1992 से हो रही है एनुअली और ये 21st एक्सरसाइज है, लेकिन 2015 से हमने जापान को भी ज्वाइन किया, तो 2015 से अभी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई है। तो यहाँ पे चाइना ने कंसर्न कई बार रेस किया, इवन 2007 में एक्चुअली 5 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। तो तब चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने कंसर्न रेज किए थे, इसलिए इंडिया भी रिलक्टेंट है, वो और पार्टिसिपेंट्स नहीं चाहती। इवन इस बार भी यूएस और जापान ने इंसिस्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया जाए, पर इंडिया हेजिस्टेंट थी, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया ये डिमांड को। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ही रही, तो वही, और इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ नो इन ट्राइलेटरल जंक्शन यहाँ पे सिक्किम के पास, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डोंगलैंग रीजन में, तो उस हिसाब से भी ये न्यूज में है। तो ये अभी भी रिट्रेट किया गया, इंडियन अथॉरिटीज ने भी कहा कि ये कोई कंट्री को टारगेट करते हुए नहीं है, ये एक दूसरे के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को समझने के लिए और साथ में फंक्शन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये कहा गया, तो ये चेन्नई में ये एक्सरसाइज हो रही है ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। तो ये है इंडियन नेवी के ये तो पार्टिसिपेशन, यहाँ पे INS विक्रमादित्य भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर है, इवन USS निमिट्स जो यूएस की न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज में। तो ये है, तो ये मलबार एक्सरसाइज के बारे में है, तो ये पार्टिसिपेशन जो होगी वॉरशिप्स वगैरह वो दिया हुआ है, प्लस ये पुराना जो न्यूज था कि जापान और इंडिया का भी पार्टिसिपेशन जैसे था, जापान इंक्लूड होना चाहती है पर इंडिया को न्यूट्रल रहना है, वो चाहते नहीं थे कि यूएस और जापान के साथ वो ज्वाइन हो जिससे चाइना एंटेगोनाइज हो जाए, पर इवेंचुअली फाइनली हमने जापान को इंक्लूड किया है, पर अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने के लिए रेडी नहीं थे। फिर ये है रिगार्डिंग इराक, तो मोसुल टेक ओवर किया गया है, तो ये इराक का मैप दिखाया गया है,
ये पूरा ब्लू रीजन जो है वो इराकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है, ये येलो रीजन जो और येलो ऑरेंज रीजन ये कुर्दिश फोर्सेस के कंट्रोल में है, और अभी भी इस्लामिक स्टेट इस रीजन में प्रोमिनेंट है इन इराक, तो ये सीरियन बॉर्डर के पास है, तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, नो जीएसटी ऑन गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज अप टू ₹50,000 एंड पर्क्स इन कॉन्ट्रैक्ट। तो जीएसटी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी दिक्कतें आ रही है उसमें गवर्नमेंट भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया है जीएसटी में कि जब एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इसपे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये 50,000 तक का है गिफ्ट, अगर अप टू ₹50,000 है तो उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। और गिफ्ट क्या है उसका डेफिनेशन भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि गिफ्ट मतलब वॉल्यूंट्री नेचर में वो दिया जाता है, एम्प्लॉयर खुद दे रहे, कंपल्शन नहीं उनपे के देना है, और इवन ये हमेशा नहीं ओकेजनली दिया जाता है, कभी कभार दिया जाता है, प्लस ये एम्प्लॉय का राइट नहीं है, वो डिमांड नहीं कर सकते कि हमको गिफ्ट, तो उसको गिफ्ट माना जाता है। तो ये गिफ्ट का वो डेफिनेशन भी उन्होंने क्लैरिफाई किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, प्लस उन्होंने कहा है कि अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो ही इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और प्लस लेकिन जो एम्प्लॉयर्स है जब ये जो भी पर्क्स दे रहे हैं वो गिफ्ट दे रहे हैं पर्क्स दे रहे हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल क्लब मेंबरशिप दिया जाता है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर में मेंबरशिप दिया जाता है, तो ये फ्री ऑफ चार्ज वो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो अप टू 50,000 होगा जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जब एम्प्लॉयर इसको अक्वायर कर रहा है मतलब कोई क्लब के साथ वो ज्वाइन इन करके कर रहे, तो उस टाइम पे जो वो परचेस कर रहे तब जीएसटी लगेगा, वो क्लैरिफाई किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है, ओएनजीसी विदेश टू बिड फॉर लेबनन गैस फील्ड। तो ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो कमर्शियल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है ऑफ ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इन्होंने अभी बिडिंग किया है फॉर द ऑयल एंड गैस फील्ड इन लेबनन। तो ये गैस फील्ड एक्चुअली, तो गैस फील्ड जो है ये लेवेंट बेसिन कहा जाता है, ये मेडिटेरेनियन सी में, तो यहाँ ये लेवेंट बेसिन में ये जो कंट्रीज आती है लेबनन, इजराइल, इजिप्ट और साइप्रस, तो इस रीजन में। तो ये मैप भी जरूरी है क्योंकि यूपीएससी में कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये आपको एरिया पता होनी चाहिए मिडिल ईस्ट। तो ये लेवेंट बेसिन में 2009 में डिस्कवर किया गया था कि यहाँ पे काफी सारी प्रोमिनेंट गैस फील्ड है, तो इनका एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए लेबनन ने बिडिंग इनवाइट की है, और इसके अंदर ओएनजीसी विदेश भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये गैस फील्ड्स के लिए बिड करेंगे। फिर अगला न्यूज़ आइटम है, यूएस क्रूड परचेज्ड बाय इंडिया। तो इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे यूएस से फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली यूएस के साथ हमारा काफी ज्यादा ट्रेड सरप्लस है और यूएस को ये पसंद नहीं आ रहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार एम्फसाइज किया है कि ये ट्रेड सरप्लस को कम करना चाहिए, तो उनके लिए ट्रेड डेफिसिट है, तो इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी अभी विजिट हुई यूएस में तो ये कहा गया कि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगी, इवन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी आगे प्लान कर रही है इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस, तो यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट जो यूएस का है विथ वेरियस एशियन कंट्रीज, तो सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट उनका चाइना के साथ है, तो वो यहाँ पे इसको भी यूएस कम करना चाहती है। हमारा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं $24 बिलियन का है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है ऑफ $24 बिलियन, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने एक स्टेप लिया कि हम उनसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें, क्योंकि क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट तो इंडिया की है ही। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, जापान मेन ओनली आईलैंड गेट्स यूनेस्को हेरिटेज टैग। तो ये है ओकिनोशिमा आइलैंड जापान में, तो यहाँ पे ये मेन ओनली आइलैंड है, यहाँ पे सिर्फ मेल विजिटर्स को अलाव किया जाता है, वो भी लिमिटेड अराउंड अप टू 200 और सो, और यहाँ पे वुमेन को एंट्री नहीं दी जाती है, वुमेन आर बैंड, और ये एक श्राइन है यहाँ पे, तो ये श्राइन में विजिट करने के लिए जब मेल्स भी आते हैं तो उनको नेकेड होके पहले एक बाथ करना होता है, नहाना होता है सी में, उसके बाद वो श्राइन में उनको एंट्री दी जाती है, तो यहाँ शिंटो प्रीस्ट है जो इस श्राइन को, इस ओकिनोशिमा आइलैंड को परमानेंटली यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, और ये जो आइलैंड है इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे इवन वुमेन बैंड है उसके ऊपर, यहाँ स्पोक्स पर्सन ने क्लैरिफाई किया कि ये सेंचुरीज ओल्ड रूल है, और इसलिए किया गया था क्योंकि जो सी ट्रैवल है वो वुमेन के लिए डिफिकल्ट होता है, डेंजरस होता है, और ये बर्थ गिविंग जेंडर है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये बैन रखा है, और ये सेंचुरीज ओल्ड रूल है, और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, वही है। तो यहाँ इसका लोकेशन भी यहाँ दिखाया गया है, जापान के 4 मेन आइलैंड्स है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु, तो ये क्यूशु में फुकू का प्रिफेक्चर है जहाँ यहाँ पे ये ओकिनोशिमा आइलैंड लोकेटेड है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाकी भी आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड्स है
और यहाँ पे ये जो रिक्यू आइलैंड्स है इसमें भी कई बार डिस्प्यूट होते हैं, ईस्ट चाइना सी यहाँ है, शंघाई चाइना का यहाँ है, येलो सी ईस्ट सी, सी ऑफ जापान जो कहा जाता है। तो ये मैप है और ये है ओकिनोशिमा, फुकुओका प्रिफेक्चर के पास है, छोटा सा आइलैंड है। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।